देखिए, मीसा भारती हो या लालू यादव हो या उनका परिवार हो, जो आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हैं, मीसा भारती जी, आप मोदी जी को तो क्या कहेंगी, आप पहले अपने भ्रष्टाचार के परिवार के इसी से निपट लीजिए। मोदी जी को सर्टिफिकेट देना है तो देश की जनता दे रही है, दुनिया का जनमानस दे रहा है, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता का सर्टिफिकेट कोई दे रहा है तो दुनिया के लोग दे रहे हैं। इसलिए उन्हें अपने भ्रष्टाचार से ही निपटना चाहिए। मोदी जी को जनता का आशीर्वाद है। दिग्विजय सिंह, अभी नवरात्रि का पर्व है और इस नवरात्रि के पर्व पर पूरा देश कन्या पूजन भी कर रहा है, माँ का आशीर्वाद भी ले रहा है, लेकिन दुर्भाग्य है कि दिग्विजय सिंह को न तो नव दुर्गे की, नए वर्ष की बधाई तक वो नहीं देते हैं। कन्या पूजन तो छोड़ दो, राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होती है, करोड़ों करोड़ लोगों के श्रद्धा आस्था और मन में हृदय में ब्रजमान विराजमान भगवान राम के लिए प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार दिग्विजय सिंह करते हैं, लेकिन आज दुआएं ईद पर मांगने के लिए जाते हैं, यही दिग्विजय सिंह का चरित्र है। दिग्विजय सिंह जी, ये देश बदल गया है। जम्मू कश्मीर के अंदर अब आतंकवाद नहीं, फारूक अब्दुल्ला भी भगवान राम के भजन गाते हैं और आप आज दुआएं लेकर के तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं। तुष्टिकरण की राजनीति देश के अंदर समाप्त हो गई है।